हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है हल्दी अदरक के पानी के साथ, और उसके बाद मैं करूंगी बाकी और सब जो सुबह के जो काम होते हैं। और मैं मिलती हूं आपसे नाश्ते के समय। तो अभी मैं जा रही हूं पानी पीने के लिए, और बैठकर सिप सिप करके पीऊंगी इसे, फिर कुछ काम करूंगी। तो आ चुकी हूं मैं स्नान वगैरह करने के बाद जो है नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ते मैंने बनाया था पोहा, और ये ना ठंडियों के समय ये बहुत ही कॉमन नाश्ता है, और अच्छा भी रहता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तो इसको बनाना भी आसान पड़ता है, और सबका मन भी और पेट भी दोनों भर जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पोहा बहुत ज़्यादा है। तो भाई ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सब लोग खाएंगे, और हम लोग कुल 6 लोग हैं, यानी कि हमारी जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली में कोई भी चीज़ ना एक लोग के लिए नहीं बनता है, सबके लिए बनता है। और जो नाश्ता है वो सबके लिए है, किसी का ऐसा अलग अलग नाश्ता वाला सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, तो यही कारण है ज़्यादा लगने का कि पूरी एक कढ़ाई भर कर है। तो हमारे यहाँ जो बनता है ना वैसे ही बनता है। तो फाइनली हमारा बंद कर लेंगे, तुम बंद करो चाहे। और ये सर्व भी हो चुका और जा रहा है सबके टेबल पर, कलर देखिए सबके सामने जाएगा खाने के लिए, देख रहे हैं। तो बस आज का नाश्ता है गर्मा गर्म पोहे और चाय, और इधर मेरी चाय भी पक चुकी है, बिल्कुल अच्छे से ना कढ़ चुकी है, और अच्छे से कढ़ी हुई चाय ही बहुत टेस्टी होती है, और पोहे के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज ना मौसम बिल्कुल साफ सुबह से था, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। और अभी हम आए हैं ऊपर, मतलब सब लोग आए हैं ऊपर, क्योंकि आज एक हफ्ते के बाद, सोचिए एक हफ्ते के बाद धूप मिल रही है, तो जो भी थोड़ी बहुत सी एक होती है ना जो सीलन जैसी लगती है, तो इसलिए जितनी खिड़कियां दरवाजे ये सब अच्छे से खोल के, ये पौधा है ना इसको भी थोड़ा सा धूप लगाना है, तो बाहर लेकर आई हूँ, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है। आपको मतलब उसकी रोशनी से ही लग रहा होगा कि हाँ आज का मौसम कितना खुला खुला है। और जितने भी कपड़े थे ना पूरे बरामदे में, ऊपर वाले में, सारा बरामदा एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि सारे कपड़े धूप में मैंने डाल दिए हैं। और ऊपर की भी सफाई काफ़ी दिन से नहीं हो रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब हाथ ही नहीं इतना चलता था, नीचे नीचे का बस हो जाता था, ऊपर का रह जाता था। तो फाइनली आज मैंने यहाँ की भी सफाई कर दी है, खूब अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और देखने के बिना जैसे लग रहा था कि ओह गॉड कितने दिन के बाद हम लोग घर में आए हैं। तो ऐसा हो ही जाता है सर्दियों में। तो अभी तो यहाँ की मैंने सफाई कर दी है और नाश्ता हो ही चुका है, तो अब मैं चलूँगी खाना मतलब बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। तो आज का लंच ना थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मटर का सीज़न चल रहा है, और हर तरफ मटर मटर मटर। तो आपने मेरे भी ब्लॉग में कई बार आपने देखा होगा आलू मटर, आलू गोभी और निमोना, यही सब। तो आज मेरा भी मन मटर से उबा हुआ था, तो मैं आज मटर की एक अलग रेसिपी बना रही हूँ, जो कि मैंने ऑलमोस्ट मैंने कई बार जो है नेट पर ही देखा है और यहीं से सीखा भी है, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो आज उसको भी ट्राई करते हैं, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं ना तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो नींबू जो मटर था ना उसको मैंने पीसा और उसको दो भाग कर लिए, एक भाग को मैं बेसन मिला के अभी रख रही हूँ, और दूसरे भाग का मैं ग्रेवी लगाऊंगी। तो जो दूसरा भाग है ना तो मसाले एज इट इज़ वही रहते हैं, और थोड़े से सूखे मसाले ऐड होते हैं। अच्छा निमोना में क्या है कि हम लोग वही हरा मसाला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा सूखे मसाले जो रेगुलर वाले होते हैं ना वो भी इस्तेमाल करना है। तो इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब कुछ, और गरम मसाला ये भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये खाने में बहुत अच्छा होगा, और था भी बहुत अच्छा खाने में। तो जो भी सूखे मसाले थे, मतलब जो हरे मसाले थे ना, हरा प्याज, लहसुन, अदरक और जो है जिंजर, सॉरी गार्लिक, सबको पीस दिया था, और पीसने के बाद ना उसमें टमाटर भी पीसा हुआ था, तो मैं टमाटर भी मैंने साथ ही पीस लिया था। और उसके बाद जो सूखे मसाले थे वो भी उसमें ऐड कर दिया, थोड़ा थोड़ा ऐड किया है,
क्योंकि मैंने देखा था उसमें ऐड करते हुए ना, तो इसलिए मैंने ऐड किया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर ना ऐड करती तो फिर वही निमोना वाला स्वाद आता। तो इसमें जो मटर, आधा मटर था ना जो अलग किया हुआ है, इस आधे मटर को भी इसी के साथ अच्छे से भून लूँगी, खूब तो अच्छा सा जो है इसका ग्रेवी बनेगा, और काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो आलू मिलाने की ज़रूरत है, और ना ही बढ़िया जो बढ़िया मिलाते हैं ना, कुहरौड़ी जिसे बोलते हैं, उसे भी मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने आधा अलग किया है बेसन मिला के, उसका क्या करना है? तो उसका जो काम है वो अब आया है करने के लिए। मसालों में मैंने पानी डाल दिया है, मटर भी अभी पानी छोड़ेगा, तो इसमें अच्छा खासा भाप बनेगा। अब क्या करेंगे, अब अलग से अगर मैं दूसरा वाला जाली लेती तो उतना ज़्यादा ऊपर नहीं अटता, इसलिए मैंने ये जो आटा चलने वाली चलनी होती है उसी को ले लिया है। तो भाई ये थोड़ा जुगाड़ू है, थोड़ा जुगाड़ वाली चीज़ है, वो ढक्कन वाला जो जाली होता है ना, अगर वो होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन चलो जो चीज़ नहीं है उसको जुगाड़ खिस कर लेते हैं। तो अब जो मटर जिसमें मैंने बेसन मिला के रखा था, बेसन और हल्का नमक और हल्दी मिला के रखा था, अब उसकी छोटी छोटी ना बड़ियों की शेप में, आपकी मर्ज़ी, चाहे आप चौकोर बनाओ, गोल बनाओ, अंडाकार बनाओ, तो उस शेप में इसको ना स्टीम देना है, और ये स्टीम से बहुत अच्छा सा पक जाएगा। और इतना काफ़ी है हमारे 6 लोग के लिए ना, इतना काफ़ी है। और उसके बाद जो है, जब ये थोड़ा सा स्टीम से अच्छा सा पक जाएगा, उसके बाद ना इसको मैं हल्का सा शेडो फ्राई करूँगी, हल्का सा शेडो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो इसको मैं लगा दे रही हूँ ढक्कन, जिससे जो मसाले का और उसके जो भाप बनेगी ना, उससे ही ये पक जाएगा। इसमें चाहे तो ना आप चावल के आटे का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बेसन की अपेक्षा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब मैं उसके साथ भी ट्राई करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसके साथ ट्राई किया है, और हल्का सा शेडो फ्राई करना है उसको, बड़ियों को, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ ना भपौड़ी बनती है, तो भपौड़ी जो होती है वो भी ऐसी बनती है, बट वो चने की दाल की बनती है, और ये ना मटर है, तो रसोई वही है, चीज़ें वही हैं, बस उसको ना थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको चेंज करते रहते हैं, तो थोड़ा सा स्वाद बना रहता है, बस यही का फ़र्क है। जब वो शेडो फ्राई हो गया है तो उसको मैंने ग्रेवी में डाल दिया, और उसके बाद गैस को बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद गैस को ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना वो टूट के बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा इसलिए। और बस एक उबाल आना है, और उसके बाद में आपकी जो सब्जी है ना वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी टू सर्व है, और सब लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं खाना खाने का, क्योंकि लंच टाइम भी हो रहा है, तो मुझे भी जल्दी है। और चावल वाला मैंने सुबह ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इसको बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस धनिया पत्ती से गार्निश किया, और उसके बाद मैंने इसको बस अब रेडी है, थोड़ी देर इसको ढक दूँगी, जिससे जो धनिया का जो स्मेल है ना वो उसमें आ जाए। तो ये मैं हस्बैंड जी की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि वो अभी आपने देखा होगा कि अभी आके खड़े होकर कुछ कह रहे थे, वो यही कह रहे थे कि भाई जल्दी बनाओ, मुझे जाना है। तो फिलहाल खाना बिल्कुल तैयार, और ये रही थाली, और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप बताइएगा कि आपको कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ना सवेरे से बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मतलब इतनी अच्छी निकली ना कि मज़ा आ गया। और आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने कोई भी स्वेटर नहीं पहना है, क्योंकि धूप इतनी अच्छी है ना, और अभी सब साफ ऑफ किया तो थोड़ी सी गर्मी आ ही जाती है, तो इसकी वजह से मुझे स्वेटर उतारना पड़ गया, और सच में बहुत अच्छी धूप है। और जितने भी ना पूरे जितने चादर वगैरह थे मैंने सब धो डाले आज, टोटल पूरा यहाँ से वहाँ सारे। तो चलते हैं, थोड़ी देर बैठूंगी धूप में, उसके बाद खाना वगैरह खाया जाएगा। और ये ना साल की पहली धूप है, मतलब आप देख सकते हो कितनी अच्छी धूप है, और यहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं, क्योंकि पूरे एक हफ्ते से हमारे यहाँ धूप नहीं आई है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये हमारे साल का पहला धूप है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि कम से कम फाइनली आज जो है कम से कम स्वेटर से फुर्सत मिल गई। तो थोड़ी देर तो मैं यहाँ बैठूँगी, और उसके बाद ही खाऊँगी खाना वगैरह जो खाना है बहुत ज़्यादा। और आप बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग पिछले साल मुझे जो है
सब्सक्राइब करने से रह गए उन वो लोग, इस साल तो मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बहुत उम्मीद है आप लोगों से, अगर कम से कम इस साल तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ 2024 की शुरुआत मैंने की है। और ये सब कुछ ना सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि इस साल पूरे होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पुराने हैं तो बने रहिएगा साथ में। और बस आज तो धूप ही धूप है, आनंद लीजिए धूप का सबके साथ। तो खाना वगैरह खा चुके हैं, और खाना खाने के बाद मैं आई हूँ ऊपर। अभी जब आपसे बातें कर रही थी उसके बाद मैंने खाना ना खाया, और उसके बाद आई हूँ फिर से ऊपर और आराम से बैठ के हलवा का आनंद ले रही हूँ। और ये गाजर का हलवा है जो कि मैंने पिछली रात को बनाया था, दूसरे तरीके से बनाया था, उबाल के बनाया था। और ये भी इसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहा ना कि चीज़ें वही होती हैं, बस हम लोग थोड़ा थोड़ा तरीका बदलते हैं तो स्वाद बदल जाता है। फिर मैंने उसके बाद रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि शाम हो गई, और शाम को जैसे ना जैसे सुरसुराहट सी एक होता मतलब सनसनी जैसी लगती है ना, उस तरीके से ठंड लग रही थी। तो जल्दी से मैंने स्वेटर वगैरह डाला है, और उसके बाद जितने कपड़े थे उन सबको उतारा, क्योंकि आज पूरी जो बरामदा है वो एकदम कपड़ों से खाली हो गया। और जो भी कपड़े इधर चार पाँच दिनों से धूप नहीं लगे थे उन सब में बहुत अच्छी धूप लग गई। होता है कपड़ों अगर धूप नहीं लगती ना तो सूख तो जाते हैं, लेकिन एक स्मेल रह जाती है, चाहे आप जितना वॉशिंग मशीन में सुखा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक धूप ना लगे। धूप लग चुका था, और लगने के बाद मेरा सब कपड़ों का धोए यहाँ इकट्ठा है। आधे कपड़े मैं पहले रख चुकी हूँ, और ये दूसरा जो खेत है तो ये सब कपड़ों को भी ना कहा कि जिसकी जो जगह है वहाँ पे पहुँचाना है। और बस आज का ब्लॉग में इतना ही है, अब इसके आगे ना मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है करने की। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इतनी मेहनत लगती है ना, इतना काम भी रहता है, प्लस एडिटिंग भी होती है, आप लोगों से बातें भी होती हैं, तो भाई थोड़ी सी मेहनत को साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ी सी जब धूप निकली ना तो मैंने भी धूप सेकते सेकते मैं सो गई। और बस अब शुरू होता है शाम का समय, शाम का शेड्यूल। तो शाम का जो रूटीन होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चाय बनाना है, खाना है, सोना है, बस यही काम है। तो फिलहाल अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको आज की रेसिपी, आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने से बचिए। एक्सरसाइज करिए, ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, लेकिन हार्ड एक्सरसाइज से जहाँ तक हो बचिए। ये नहीं कि सर्दी का मौसम है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अच्छी सेहत तो सर्दियों में बनती है, नहीं भैया नहीं बनती है, अच्छी सेहत नहीं बनती, सेहत बिगड़ती भी है। तो इसलिए हार्ड एक्सरसाइज जो भी है उसको करने से बचिए, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करते रहिए, शरीर को गर्म रखने के लिए, खून को गर्म रखने के लिए एक्सरसाइज करते रहिए, और अच्छा अच्छा खाते रहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और अच्छे से खूब पहन पहन के रहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, बीमार रहेंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई काम नहीं होने वाला,
कोई तरक्की नहीं होने वाली। तो सो इसलिए जो है बस इतना करिए कि जिससे आपका शरीर जो है ना चलता फिरता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।